प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सभी को सलाम। ग्रीटिंग्स टू यू इन जीसस माइटी नेम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं सबसे पहले आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। और मैं विश्वास करता हूं कि आने वाला साल हमारे लिए एक महिमा से भरा हुआ साल होगा, जहां पर हम परमेश्वर को सुन पाएंगे, देख पाएंगे और हम परमेश्वर के साथ चल पाएंगे। और मैं ये विश्वास करता हूं कि बहुत जल्द हमारा खुदा हमें लेने के लिए बादलों पर आएगा और हम उसके साथ उठा लिए जाएंगे। इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से बहुत सारे लोग हमारे चर्च के ऑफिशियल नंबर पर मैसेज करते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि ब्रदर, हम न्यू हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, बाइबल कैसे पढ़ते हैं, हमें सिखाएं, प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, हमें बताएं, वचन को हम कैसे मनन करें, याद करें, या हमारी लोकेशन में कोई अच्छी चर्च नहीं है, हम कैसे जाने कि सही लीडर कौन है। ऐसे बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस जो मेरे भी थे और जो आपके भी हैं। और इन 17-18 सालों में परमेश्वर ने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा। और मैंने इस चैनल पे आपके लिए वो सारे वीडियोस बना के रखे हैं। आई थिंक जहाँ तक मैं जानता हूँ इट्स मोर देन 60 वीडियोस, ये 60 से भी अधिक हैं। और हर वीडियो के साथ एक आर्टिकल भी है जिसमें आपको एक लिटरेचर भी मिल सकता है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वहाँ जाएँ और आप उसको देखें तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे कि बाइबल पढ़ना क्या है, दुआ करना क्या है। सो मैनी क्वेश्चंस जो हैं, क्वारीज जो हैं, वो आपकी क्लियर हो जाएंगी। और फिर आज मैं बात करना चाहता हूँ अधिक सोचने पर। आप जानते होंगे कि इन दिनों में बहुत सारे यूथ, बहुत सारे भाई बहन हैं जो सुसाइड कर रहे हैं। मैं ये बिलीव करता हूँ कि खुद को मारना, खुद का कत्ल करना, ये परमेश्वर की इच्छा भी नहीं आता। मैं कभी बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि परमेश्वर ये चाहता है कि एक इंसान खुद का कत्ल करे, आत्महत्या करे, सुसाइड करे। मुझे लगता है कि ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इंसान इन दिनों में मेंटली वीक है। हमने इतना अपने ऊपर जोर लगा दिया है, हमारे अंदर इतना सारा टेंशन, डिप्रेशन, होपलेसनेस है। कई बार हम कुछ जगहों पे फेल हो जाते हैं तो हम उसको कैरेक्टर के साथ अपने आप को फेलियर कहना स्टार्ट कहते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गिरना हारने का चिन्ह नहीं होता। कई बार गिरने से आप मजबूत भी होते हो क्योंकि आपको अनुभव मिल जाता है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। वैसे ही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत सारा आप मेंटल प्रेशर आप झेल नहीं पाते, तो आज का वर्ड वो आपके लिए है। और मैं उम्मीद करता हूँ, भरोसा करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। मैं आपके लिए एक आयत पढ़ रहा हूँ और 3 लैंग्वेजेस में ये आयत आपके सामने है। 1 सैमुएल, पहला शमूएल, उसका 17वां अध्याय और उसका 31। यहाँ लिखा है, जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई तब शाऊल को भी सुनाई गई और उसने उसे बुलावा भेजा। जब दाऊद ने शाऊल से कहा, किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा ना हो, तेरा दास जाकर उस फिलिश्ती से लड़ेगा। हम यहाँ पर 2 लोगों को देख रहे हैं, एक है शाऊल, एक है दाऊद। दोनों सेम खुदा को मानते हैं। दोनों के ऊपर परमेश्वर ने वही अभिषेक रखा था, दोनों के ऊपर पाकरू था। आप जानते होंगे कि एक कितनी हारी हुई सोच में जिंदगी जी रहा है, एक होता है, दूसरा जो लड़ने से पहले ही जीता हुआ दिख रहा है। कोई बंदा लड़ने भी नहीं गया है, एक लड़के हार के आने वाला व्यक्ति अलग होता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि उसने कोशिश तो की। लेकिन इस बंदे को देखिए, ये लड़ने भी नहीं गया है लेकिन ये पहले से ही मन में हारा हुआ है कि मैं कहां जीत पाऊंगा। लेकिन क्या आप दाऊद को देख पा रहे हो? वो लड़ने भी नहीं गया है लेकिन कहता है मैं जीतूंगा, मैं मारूंगा उससे, खुदा मेरे साथ है। इस तरह की सोच इंसान में कैसे पैदा होती है? आप जानते हैं, हो सकता है हम भी, आप जो मुझे देख रहे हैं, हम भी कुछ इस तरह से ही हो। कई बार हम अपनी जिंदगी में इतनी फेलियर्स का, इतनी असफलताओं का सामना करते हैं कि हम होप ही खो देते हैं कि मुझसे कैसे हो सकता है,
जॉब तो मिलती नहीं है, घर तो बनता नहीं है, पैसे हैं नहीं मेरे पास, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। इवन कभी कभी स्पिरिचुअली तौर पे भी हम परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हीं उन्हीं गुनाहों में गिर गिर के इतने फेडअप से हो जाते हैं कि हम उसके बाद छोड़ते हैं, कहते हैं कि चलो छोड़ दो, हमारा बस ही नहीं है, हम तो बस एक संडे संडे के लिए जाएंगे और बस, मुझे और ज़्यादा डीप नहीं जाना क्योंकि मैं चल नहीं पाता। ये सोच क्या खुदा ने दी है? क्यों पॉल कहता है कि तुम्हारे मनों का नया होना जरूरी है? क्योंकि पॉल ये बात जानता था कि दुष्ट आत्मा इंसान में से निकल चुका है, क्योंकि जब हमने यीशु को अपना खुदा माना, जब हमने यीशु को अपना प्रभु जाना, तब हम में से दुष्ट आत्माएं निकल गई। लेकिन दुष्ट आत्मा अपनी सोच हम में छोड़ के गई है, इसीलिए पॉल कहता है रिन्यूइंग ऑफ माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, मन का नया होना बहुत जरूरी है। मैं आपको कुछ यहां पर बताना चाहता हूं, कैसे आप अधिक सोचने से बच सकते हैं। सुनिए, आप देखिए, जब दाऊद के सामने और शाऊल के सामने गोलियत आया तो उसने कुछ ऐसी बातें कही जिनमें बहुत डर समाया हुआ था। उसने कहा कि आओ मुझसे लड़ो, और अगर मैं तुमसे हार गया तो मैं और मेरे लोग तुम्हारे अधीनता में आ जाएंगे, हम तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे, तुम जो कहोगे हम वही करेंगे, लेकिन अगर तुम हार गए तो तुम्हें भी हमारे साथ यही करना होगा। जब इन शब्दों को शाऊल सुन रहा था, तब उसके मन में उसने इन थॉट्स को इतना मेडिटेट किया, उसका एक रीजन ये था, वो गोलियत को देखता था। आप याद रखिएगा, जो आप देखोगे उसी के बारे में आप सोचोगे, जो आप देखोगे उसी के बारे में आप सोचोगे। आई रिपीट अगेन, जो आप देखोगे, जो आपके कान सुनेंगे, आप उसे मनन करेंगे। इसीलिए गॉस्पल्स के अंदर जीसस ने आईज के और सुनने के डिसिप्लिन के बारे में बहुत बात की है। एक जगह पे उसने कहा, तेरी आंखें शुद्ध होनी चाहिए, ये तेरा उजियाला है, आंख एक उजियाला है, एक रोशनी है। और उसी यीशु ने ये भी कहा, मार्क 4:24 के 4:24 में उसने कहा, ध्यान दो कि क्या सुनते हो, जिस नाप से नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। इवन प्रकाशित वाक्य की अंतिम कलीसियाओं को बार बार ये कहा गया, जिसके कान हो वह सुन ले आत्मा क्या कहता है। हमें आत्मा को सुनने के लिए, होली स्पिरिट को सुनने के लिए बुलाया गया है, न कि लोगों की क्रिटिसिज्म को, जब वो हमारे लिए कुछ भी बोलते रहते हैं, हमारे विरोध में बातें करते हैं, उनको सुनने के लिए जस्ट इग्नोर देम, उन पर ध्यान न दें, परमेश्वर को सुने। यीशु ने कहा, मनुष्य रोटी ही से नहीं, परमेश्वर को सुनने के कारण जीवित रहते हैं। शाऊल सिर्फ गोलियत को देख रहा था और उसकी बातों को सुन रहा था, वो ऑक्यूपाइड था। आपने देखा कोविड में हम क्या कर रहे थे, सिर्फ न्यूज देख रहे थे और सुन रहे थे। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इन बातों को सुन रहे थे लेकिन वो खुदा से बात नहीं कर रहे थे। और एक दिन कोविड आई और एक डर समा गया और उस डर ने उन्हें मार दिया। मैं ये बिलीव करता हूँ कि कोविड जो है वो परमेश्वर की मर्जी नहीं थी, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे लोग डर में मर रहे थे। लेकिन अब दाऊद को देखिए, सेम व्यक्ति है वो भी, हमारी तरह ही है, लेकिन उसका एटीट्यूड कितना डिफरेंट है। उसके भाइयों ने उसे क्रिटिसाइज किया कि तू क्यों आया है यहाँ पर, और उसने उसको इग्नोर कर दिया। फिर शाऊल को उस पता चलता है कि लड़ने जा रहा है, तो शाऊल भी उसे इनकरेज नहीं करता है कि जा, खुदा तेरे साथ है, लेकिन वो उसको कहता है कि ठीक है तू जा, लेकिन ये याद रख तू छोटा है, और वो तब से योद्धा है जब से वो छोटा था, ये शब्दों को लेकर। लेकिन दाऊद उसको भी नकार देता है, क्यों? क्योंकि दाऊद को अपना माइंड डाइवर्ट करना आता था। हमें से बहुत सारे लोग जब परिस्थितियों से गुजरते हैं तब हम सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, खुदा ये करेगा, खुदा वो करेगा, और कभी कभी हम अपने आप को समझा के थक से जाते हैं कि आखिर कब ठीक होगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपने आप को समझाइए मत, लर्न टू डाइवर्ट योर माइंड, अपने मन को दूसरी तरफ फेरना सीख लो। मैं एक दिन की बात है, जब मुझे बॉडी पे कोई बॉयल लगा था, कुछ बॉयल आया था, एक फोड़ी सी आई थी, मैं देख रहा था बार बार मेरा मन मेरे दर्द में जा रहा था, लेकिन मुझे परमेश्वर ने कहा लेट्स प्रे, मुझसे प्रार्थना कर। मैंने प्रभु से प्रार्थना की और फिर प्रभु ने मुझे कहा अपना माइंड डाइवर्ट कर। मैं देख रहा था, जितना मैं उस बॉयल को देख रहा था, उसको देख रहा था, मेरा पेन, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ग्रो कर रहा है।
बढ़ रहा है। लेकिन जब मैंने अपना ध्यान वहां से हटा दिया और मैंने अपना ध्यान अपने काम में लगा दिया, मैंने देखा वो दर्द मुझे इरिटेट नहीं कर रहा था। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, क्यों शाऊल लड़ने से पहले हार गया, क्यों दाऊद लड़ने से पहले जीत गया? क्योंकि ये एक सोच थी। कई बार हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में देखते रहते हैं, सोचते रहते हैं और फिर उसके बाद हमारा मन कच्चा होना शुरू हो जाता है। दाऊद वहां पर जाकर एक बात कहता है, बोलता है शाऊल किसी बंदे का मन इसके वजह से कच्चा नहीं होना चाहिए, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। और कलाम कहता है वो फील्ड में गया, उसने पत्थर लिए थे, उसने गोलियत को मारा, उसके सर पे लगा, गोलियत नीचे गिरा और उसने उसकी गर्दन काटी और एक जबूर कहा, धन्य है हमारा परमेश्वर जो हमारे शत्रुओं को हमारे हाथ में कर देता है। दाऊद जानता था कौन लड़ेगा, दाऊद जानता था जय कहां से आती है, दाऊद जानता था मेरी तरफ से कौन है। आज आप में से बहुत सारे लोग सिर्फ अपनी कमजोरियां जानते हैं, पर क्या आप अपने खुदा को जानते हैं? यीशु ने कहा अनंत जीवन यह है कि तुम परमेश्वर को जानो। दानियल 11 में लिखा गया है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थ्य होंगे और बड़े बड़े काम करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अपनी प्रॉब्लम को मेडिटेट करने में, अपनी प्रॉब्लम को मनन करने में समय मत बिताइए। परमेश्वर के वचन और उसके व्यक्तित्व, उसके नेचर को देखिए, उसकी ताकत को देखकर उसे मनन करिए। सोच ये मत, अपनी प्रॉब्लम को मत देखो, इवन अपने आप को डाइवर्ट करो, अपने आप को किसी काम में व्यस्त कर दो, बिजी कर दो, अपने आप को बाइबल स्टडी में, दुआ में, अच्छे अच्छे बुक्स को पढ़ने में जो परमेश्वर के दासों ने लिखे हैं वहां पर डाइवर्ट कर दो। अगर आप ये नहीं करेंगे आपका दिमाग वही वही बातें सोचता रहेगा, मैंने गलत कोर्स तो नहीं ले लिया, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, ये सुधरेगा कब, पैसे कैसे आएंगे, अगर मैं रह गया प्रभु में, अगर खुदा मुझे नहीं ले गया तो मेरी हालत क्या होगी। हम सारा दिन हारे हुए विचारों से भरे हुए रहते हैं, लेकिन हमें अपने माइंड को डाइवर्ट करना है। यह वचन ही आपको एक वॉरियर बनाएगा, एक लड़ने वाला व्यक्ति बनाएगा। पॉल कहता है सारे परमेश्वर के हथियारों को बांध लो, क्यों? क्योंकि तुम एक लड़ाई में हो, तुम्हारा शत्रु शैतान है जिसके पास एक ही हथियार है तुम्हें हराने के लिए, और वो है ख्याल, नेगेटिव थॉट्स। वो जानता है अगर मैंने यहां पर इनको सेट कर दिया ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अगर इन लोगों ने अपनी सोच में अपने आप को सीमित कर दिया कि मैं नहीं कर सकता ये आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि बाइबल कहती है जैसे एक व्यक्ति का मन है वैसा वो आप है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, शैतान की बातों पर ध्यान न दे, अपने आप को डाइवर्ट करना सीखिए। मुझे जब भी कोई तकलीफ दिखती है, कोई प्रॉब्लम दिखती है, सेवकाई में बहुत सारे इश्यूज होते हैं हमारे साथ, लेकिन जब भी मेरा दिमाग उनके बारे में सोचना स्टार्ट करता है मैं दुआ करके अपने मन को किसी और बात में फेर देता हूँ, बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में, आराधना सुनने में, किसी बुक को पढ़ने में, किसी भाई बहन को कॉल करके इनकरेज करने में मैं अपना समय बिता देता हूँ। नहीं तो मैं जानता हूँ ये दिमाग मुझे ऐसी ऐसी बातें मेरे अंदर पैदा करेगा, डर, भय, चिंता, बहुत सारी बातें पैदा करेगा, और मैं मसीह में रह के भी एक हारी हुई जिंदगी जीऊंगा। सो आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, इस साल का पहला वीडियो है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप हारे हुए नहीं हैं, आप एक विजयी हैं। मेरे पीछे कहिए मैं परमेश्वर की संतान हूँ, कहिए परमेश्वर मुझे आत्मा से भरेगा, कहिए परमेश्वर मुझे अपने वचन से भरेगा, कहिए मैं यीशु की तरह बनूंगा, कहिए मेरा परिवार उधार पाएगा, कहिए मुझे किसी भी चीज की घटी ना होगी, कहिए मेरे शत्रु एक रास्ते से आएंगे और खुदा उन्हें सात रास्तों से भगाएगा, कहिए मैं पूंछ नहीं मैं सर ठहरूंगा, कहिए मैं धर्मी हूं, आई एम राइचस, कहिए ये साल मेरे घर में कोई दवाई नहीं आएगी क्योंकि परमेश्वर में बला चंगा रखेगा, कहिए प्रभु मुझे हर एक्सीडेंट से बचाएगा, कहिए मैं आने वाले दिनों में अपने कलीसिया में खुदा को चलते हुए देखूंगा। जो कुछ भी मैं आपसे कह रहा हूं ये मेरी सोच है,
ऐसी सोच में जिंदगी जीता, आप भी जियो। जो सोचते हो खुदा के बारे में वो बोलो, कन्फेस करो। पॉल कहता है, मैं इसलिए बोला क्योंकि मैं विश्वास करता था। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एक हारी हुई सोच में जिंदगी न जी। मैंने आज के लिए एक आर्टिकल भी लिखा है और ये बहुत आपकी हेल्प कर सकता है, और इस आर्टिकल का नाम है परमेश्वर जय देगा। ये जो बड़ा नंबर इस समय आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आपको सिर्फ यहीं पर ही मैसेज करना है, और कहीं पर भी करोगे आर्टिकल नहीं मिल पाएगा आपको। हमने हिंदी और इंग्लिश में इसे टाइप किया है, आप इसे ले सकते हैं इस नंबर पे व्हाट्सएप करके, आपका नाम और आप कहाँ से हैं, और आपको लिखना है परमेश्वर जय देगा और हम आपको आर्टिकल देंगे। सो एक बार फिर से मैं आपको नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। मैं बिलीव करता हूँ कि परमेश्वर आने वाले दिनों में आपको और भी आशीष देंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम इन बेसिक टीचिंग्स को 2023 में भी कंटिन्यू करें, और अगर आप इसमें से ब्लेस्ड हो रहे हैं या आपने आज के वचन से कुछ सीखा है, तो भी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। खुदा आप सबको बरकत दे। विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस यू।